सर्दियों में दोस्तों हमारे स्किन के साथ साथ हमारे हाथों पैरों में भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखने लग जाता है। स्किन टैनिंग हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क और रूखा रूखा दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल सी रेमेडी। इसे आप हफ्ते भर इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद देखिए, अब पहले बार के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी, स्पॉटलेस लगेगी। स्किन में अगर रूखापन हो गया, टैनिंग हो गई, डार्क स्पॉट हो गए, तो वो भी इसके इस्तेमाल से दूर होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेती, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर आप देखिएगा हमारी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा रुखे रुखे दिखाई देने लग जाते हैं। स्किन में डार्कनेस बढ़ जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल डल दिखाई देती है। तो इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद देखिएगा आपकी जो स्किन होगी वो ग्लोइंग लगेगी, चमकदार लगेगी। स्किन में टैनिंग हो गया है, डार्क स्पॉट हो गया है, बीच बीच में रूखापन हो गया है, तो वो भी आपके दूर होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी राइस फ्लोर का, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा दोस्तों आप सभी को जानते हैं, ये हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हमारे स्किन में जो डार्कनेस हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसे वो रिमूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम लोग को यहाँ पर ले लेना है एक चम्मच चावल का आटा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी रॉ मिल्क का। रॉ मिल्क में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्किन में जो डार्कनेस हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसे वो रिमूव करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखता है। तो हम लोग को यहाँ पे रॉ मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी लेमन जूस का। लेमन में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे स्किन की टैनिंग को दूर करता है, डार्क स्पॉट को दूर करता है। अगर आपके स्किन में सालों साल पुरानी मैल जम गई, गंदगी जम गई है, तो उसे भी वो दूर कर आपकी स्किन को लाइटन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग को यहाँ पर लगभग एक चम्मच यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी कोलगेट का। कोलगेट दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये हमारे दांतों को तो वाइट करता है, साथ ही साथ आपके स्किन में जो डार्कनेस हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसे भी वो दूर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कोलगेट में दोस्तों कुछ ऐसी गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्किन की टैनिंग को, गंदगी को दूर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और साथ ही साथ ये हमारे स्किन को फेयर भी बनाता है। तो हम लोग को यहाँ पे ले लेना हाफ चम्मच कोलगेट। अब इन सभी चीज़ों को डाल के हम लोग को इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लियो। तो यहाँ पे जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा मुझे लिक्विडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कच्चा दूध का इस्तेमाल कर लूँगी। हम लोग को यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चे दूध से ही हम लोग को इस रेमेडी को प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों, ये जो रेमेडी बन के रेडी हुई है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपकी स्किन में जो भी डार्क स्पॉट हो गया, टैनिंग हो गई है, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा क्रीम तेल की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है, तो उसे भी वो रिमूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में रूखापन हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, तो उसे भी वो ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाए रखती है। तो हम लोग को इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेमेडी बनके रेडी होगी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना। हम लोग को क्या करना है, इस रेमेडी को आप अपने हाथों पैरों पे, गले पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी डार्कनेस हो गया, टैनिंग हो गई है, उस जगह पे आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने हाथों पर इसे अप्लाई करके दिखला रही हूँ। आपको इस रेमेडी को फेस पर नहीं अप्लाई करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोलगेट का इस्तेमाल किया है। हमारे जो फेस होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हो सकता है आपके फेस पे दाने निकल आए। आप इसे अपने फेस पे नहीं अप्लाई कीजिएगा, आप इसे अपने हाथों पैरों पे, गले पे, गर्दन पे, कोहनी पे, जहाँ पर भी टैनिंग हो गई है, उस जगह पे आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए सूखने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ दे रही हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से सूख चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको इसे वॉश करके दिखलाती हूँ। तो वॉश करने के बाद दोस्तों आप मेरी यहाँ पे स्किन देख सकते हैं। आप मेरे पहले के और बाद के दोनों स्किन को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, मेरी स्किन में तुरंत ही आपको कितना ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है। स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और सॉफ्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो इस रेमेडी दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है और 10 मिनट के बाद आप इसे नॉन पानी से वॉश कर लीजिए। तो दोस्तों आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ इसी तरह से हेल्पफुल रेमेडी साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।